अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पंजाब की बहुत ही मशहूर डिश गोश्त और चने की दाल, जो बहुत टेस्टी होती है और इसके बनाने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत टेस्टी होती है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। दाल गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गोश्त और दाल। तो मैंने गोश्त लिया है, ये मटन मीट है, 700 ग्राम है। इसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसके साथ हम लेंगे चने की दाल। तो चने की दाल ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम हम लेंगे और इसके साथ हम ले लेंगे प्याज। तो मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, स्लाइस की हुई। इसको आधी हम डाल देंगे, मैरिनेट करेंगे मटन को, उसमें अभी हम डाल देंगे आधी प्याज और जो आधी होगी वो हम कैरामलाइज करके डालेंगे मसाले में। तो चलिए मटन को हम मैरिनेट कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून ले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून, ये 4 हरी मिर्चें थी उसको मैंने क्रश कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम दही, जो मैंने मिक्स कर लिया है। दही जो है गोश्त को टेंडर करता है, काफ़ी सॉफ्ट कर देगा ये। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर कम हुआ तो। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून्स मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल भी मटन को, किसी भी मीट को, ये सॉफ्ट करता है और बहुत अच्छे से फ्लेवर देगा ये मीट को। तो 2 टेबलस्पून्स मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और ये कच्चा ऑयल है इससे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज जो स्लाइस की हुई है, तो हाफ हम अभी डाल देते हैं और हाफ प्याज को हम फ्राई करके डालेंगे। बस इतनी चीज़ें ही जाएंगी अभी मटन के साथ। और अब हम बहुत अच्छी तरह इन सबको मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे और आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे 2 घंटे के बाद इसे कुक करना है। हमारे मटन को मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 3 टेबलस्पून से ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल है ये। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, घी में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं आज सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही डाल रही हूँ। अच्छा, आप जितना भी गोश्त वगैरह में जितना भी ऑयल डालते हैं उसका 30% ज़्यादा आपको ऑयल डालना होता है अगर आप दाल के साथ गोश्त को बनाते हैं, किसी भी दाल के साथ और स्पेशली चने की दाल के साथ, क्योंकि ये बहुत ड्राई होता है। चने की दाल जो होती है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, ये बहुत इसको ऑयल चाहिए होता है, ऑयल घी कुछ भी। तो इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमारा ऑयल जो है बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसमें हम कुछ साबित मसाले डालेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, 2 ब्लैक वाली कादमम है, ब्लैक इलायची, और 6 हरी इलायची है, वैसी 6-7 कुछ लौंग होंगी और थोड़ा सा ये 2-3 तेज़पत्ते हैं, तो वो हम डाल देंगे ऑयल में। और इसके साथ ही हम डाल देंगे प्याज जो स्लाइस की हुई थी। मैंने प्याज डाल दी, आधी प्याज मैंने डाली थी मैरिनेट करते टाइम मटन में और आधी प्याज अभी डाल दिया मैंने। तो इसे हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है, गोल्डन कलर आ गया इसमें। अब इसमें हम मैरिनेटेड मटन ऐड कर देते हैं। अब इसमें मटन चला गया, मैरिनेटेड मटन। अब इसको बहुत अच्छी तरह मटन की हम इसकी भुनाई करते हैं और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, मटन का गोल्डन सा ना हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। मटन जो है बहुत अच्छी तरह भून चुका है, इसका कलर देखिए चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। इसमें ग्रीन चिलीज भी गई है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा और डाल दूँगी। और हम डाल देंगे 2.5 टीस्पून 2.5 टीस्पून धनिया डाल देंगे। 2.5 टीस्पून मैंने धनिया डाल दिया। अब इसमें सारी चीज़ें चली गई हैं, जो भी ड्राई मसाले डालने थे, सिर्फ गर्म मसाला वो पेन में हम डालेंगे। तो अब इसको हमें और अच्छी तरह भूनते रहना है मसालों को, ताकि गोश्त और मसाला सब साथ मिल के मसाले की जब तक कच्ची स्मेल ख़त्म ना हो जाए, इसे हम भूनते रहेंगे। गोश्त को जब बहुत फ्राई कर करके बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अभी हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, अभी बस हम इन मसालों को बहुत अच्छी तरह फ्राई करेंगे। साथ में हमारा जो है मीट वो भी कुछ
टेंडर भी होता जाएगा और फ्राई भी होता रहेगा साथ साथ। अब मटन मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह भुन चुका है और मसालों की भी कच्ची स्मेल ख़त्म हो चुकी है। बहुत अच्छी सी इसमें भुनी भुनी सी स्मेल आ रही है धनिया की, तो इसका मतलब है कि मसाले जो है बहुत अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब इसमें टाइम आ गया है चने की दाल जो मैंने सोख की हुई करके रखी हुई थी वो ऐड कर दूँगी। आपको लग रहा होगा चने की दाल बहुत कम है, लेकिन ये पकने के बाद इसकी क्वांटिटी जो है ना, जो एक्चुअली जो भी इसकी क्वांटिटी होती है उसका 4 times ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं और गोश्त और दाल को गलने के लिए रख देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह भून चुकी हैं। इसमें हमेशा हम गर्म पानी ही डालेंगे। इसमें मैंने 1.5 glass पानी ऐड किया है, क्योंकि दाल को भी सॉफ्ट होना है और मीट को भी अच्छी तरह कुक होना है, दोनों को ही पकना है, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी ऐड किया है। और अब थोड़ा इसमें मुझे सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 teaspoon सॉल्ट डाला था मटन मैरिनेट करते हुए। मटन में 1/2 teaspoon सॉल्ट और भी ऐड किया है। अब इसे हम कवर करके इसका लिड और से हम जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए दोनों, चने की दाल और मटन, तब तक हम इसे कुक करते रहेंगे लो फ्लेम पे। अरे मैंने चेक किया, गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है और दाल भी बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है, अब बिल्कुल तैयार ही है। तो बस अब हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। अब एक तड़का लगाएंगे हम, इसे मिक्स कर दें हम एक दफ़ा। देखें इसकी थिकनेस, देखें ये बिल्कुल इतना ही थिक होता है, दाल भी नज़र आ रहा है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम एक तड़का लगाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे गर्म मसाला, क्योंकि मैंने अब तक नहीं डाला, सिर्फ साबित गर्म मसाले डाले थे, बस थोड़ा सा डालें। अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ना डालें। बिल्कुल बेसिक गर्म मसाला जो होता है वो डाला मैंने 1/2 teaspoon। एक दफ़ा फिर मैं मिक्स कर दूँ सबको। इसे हम 2 से 3 minutes तक और पकाते हैं कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे। तड़के के लिए मैंने एक पैन को गर्म कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे देसी घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पंजाबी डिश है और इसमें घी अगर ना डाली जाए तो फिर इसके साथ जस्टिस नहीं करेंगे हम, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, लेकिन घी डालेंगे ज़रूर ताकि घी की खुशबू आ जाए एंड में। तो मैंने 3 teaspoon लिया है घी। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 teaspoon ज़ीरा। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया क्योंकि बहुत अच्छी तरह ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 teaspoon, मैंने ब्लैक पेपर लिया था उसको क्रश कर लिया, वो डाल देंगे। अब इसको हम डाल देंगे और इसे फौरन कवर कर देते हैं और इसे हम 5 minutes के बाद डिश आउट करते हैं। बिल्कुल तैयार है ये सर्व करने के लिए। इसको डिश आउट कर दिया है और इसे मैंने गार्निश किया है जुलियन कट अदरक के साथ, हरी मिर्ची, कुछ हरा धनिया और साथ में लेमन वेजेस, क्योंकि लेमन वेजेस के साथ बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें चने की दाल है तो दाल के साथ लेमन बहुत अच्छा जाता है। तो एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी सी रेसिपी आपके लिए लाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।